डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज चंबा के सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक चंबा सदर पवन नैयर व भाजपा जिलाध्यक्ष जसवीर नागपाल सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर के आगे पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बोलते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष जसवीर नागपाल और विधायक चंबा सदर ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्यों को गिनवाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो बलिदान दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में मना रही है और चंबा मंडल की ओर से श्रद्धांजलि जो सभा थी उसमें आप यहाँ एकत्र हुए हैं। आज जैसा कि आपको भी दिख रही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो एक राष्ट्रीय और प्रखर प्रोफेसर और राष्ट्रवादी नेता थे, उनका बलिदान जो था और जम्मू कश्मीर की एकता और भारत की अखंडता के लिए उनका बलिदान हुआ। आज ही के दिन 23 जून 1953 को जो हमारा सीमांत प्रदेश है माधोपुर में, वो एक विधान एक निशान और एक संविधान के लिए आंदोलन के लिए जम्मू कश्मीर प्रवेश कर रहे थे, जबकि आपको पता है कि उस वक्त जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के कोई नहीं जा सकता, तो इसके लिए वो जब प्रवेश करने लगे तो उनको वहाँ गिरफ्तार किया गया और उन्हें भारी यातनाएँ देकर श्रीनगर जेल में बंद रखा जहाँ उनकी रहस्यमय मृत्यु हुई। भारतवर्ष हमेशा ही ऐसे प्रखर नेताओं का ऋणी रहेगा जिन्होंने अपने बलिदान से इस देश की इस माटी की पूजा की। जैसा कि आप सबको पता ही है कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में तो सभी एक ही जो था ध्वज के नीचे इकट्ठे होकर इस भारत माँ को आज़ाद किया, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से भारत आज़ाद होने के बावजूद भी कुछ ऐसे तथाकथित जो उस वक्त के नेता थे या उस वक्त के जो लोग थे या उस वक्त की जो एक चोटली थी वो भारत की अखंडता के लिए जो समस्याएँ थी उनके लिए हमेशा जो है उन्होंने एक अखंडता के लिए जो है उन्होंने वज्रपात करने के लिए लिए रहते। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ तक सब जो राष्ट्रवादी नेता है उन्होंने चिंतन किया और भारतीय जनसंघ की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण करके और सबको जोड़ते हुए वो जो कश्मीर भारत का भी अंग है उसमें प्रवेश करने के लिए जो परमिट पत्र की लागू थी उसको खत्म करने के लिए वो बिना परमिट के जम्मू में प्रवेश किए और वहाँ उनको गिरफ्तार किए गए। मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये विनम्र अपील करता हूँ कि आने वाले समय में 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक विपक्ष ने एक कार्यक्रम दिया है अपने बूथ स्तर पर मंडल स्तर पर जो उनके बलिदान दिवस पर हम पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे और प्रत्येक बूथ और प्रत्येक मंडल और प्रत्येक शक्ति केंद्र तक हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और ये जन जागरण का अभियान चलाएंगे। जय भारत। पूरे हिंदुस्तान में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो है बलिदान दिवस मनाया जा रहा है और इस संदर्भ में जो है आज हमारे चंबा मंडल ने भी इसका आयोजन किया है चंबा में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो नेहरू जी की सरकार में ये उद्योग मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री मिले, परंतु इनकी नेहरू जी से नहीं बनी और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद इन्होंने जनसंघ की स्थापना की, ये भी उसमें एक मेंबर थे और जब 1955 में पहली भारत से इलेक्शन हुई उस वक्त इन्होंने जनसंघ की सिर्फ 3 सीटें और उसमें इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को ओपोजिशन का लीडर जो है नियुक्त किया और इन्होंने ये आवाज़ उठाई कि कश्मीर में जो 2 विधान और 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चले और मैं इनकी जो तमन्ना थी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इसकी जो इनकी तमन्ना थी वो पूरी कर दी, क्योंकि आज आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही सरकार है, इसमें निशान भी एक ही है, पहले होते 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान थे।
तो ये सारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे ना। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर इनका मर्डर हुआ और इनके परिवार वालों ने बड़ी पूरी कोशिश की कि इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, परंतु नेहरू जी ने कोई इनकी इंक्वायरी नहीं की। तो श्यामा प्रसाद जी का जो बलिदान है ये हम सारे भूल नहीं सकते हैं, और मेरे सारे अपने कार्यकर्ताओं से यही निवेदन है कि इनके हम बताए हुए रास्ते पे चले। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का YouTube चैनल और Facebook पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।